नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे दिनांक 5 मार्च के लिए 12 राशियों का राशिफल। उससे पहले आज के दिन के जो शुभ काल, जिसे हम विजय मुहूर्त भी कहते हैं, वो है दोपहर 12:39 से लेकर दोपहर 1:03 तक। और अशुभ काल, जिसे हम राहु काल भी कहते हैं, वो है दोपहर 3 से लेकर 4:30 तक। आज के दिन जो चंद्रमा है, चंद्रमा संपूर्ण दिन कुंभ राशि में भ्रमण करेगा। यह चंद्रमा हर्षल के साथ लाभ योग भी करने जा रहा है। यह ग्रह स्थिति सामने रखते हुए 12 राशियों का राशिफल क्या होगा, उसके बारे में अब हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले राशि है मेष राशि। मेष राशि के लाभ भाव में चंद्रमा का भ्रमण है। आप ही के राशि पे स्थित हर्षल के साथ ये चंद्रमा लाभ योग करने जा रहा है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। आज का जो आपका दिन होगा वो काफ़ी शुभ साबित होगा। खास करके आपके जो घर के जो लोग होंगे, मतलब घर के जो सदस्य होंगे, उनके साथ कुछ अनबन हुई थी, वो नॉर्मल होने के चांसेस हैं। उसी प्रकार घर वालों के लिए आज कुछ अच्छी खरीदारी भी हो सकती है, उनके लिए कुछ पैसे भी आज खर्च कर सकते हो। तो मेरे ख्याल से जो आज का आपका दिन होगा बहुत ही अच्छा होगा। और जो गृहिणी वर्ग है उनके लिए जो आज का दिन होगा बहुत अच्छा दिन होगा। जिस प्रकार से आप चाहते हो उसी प्रकार से जो दिन है वो बीतने वाला है। और जो महिला जो विद्यार्थी वर्ग है उनके लिए जो दिन है बहुत ही शुभ साबित होगा। इसके बाद की जो राशि है वह है वृषभ राशि। वृषभ राशि के दशम भाव में चंद्रमा का भ्रमण है। आप ही के वैय भाव में स्थित हर्षल के साथ ये चंद्रमा लाभ योग करने जा रहा है। तो आज के आपके लिए आज का जो दिन है बहुत अच्छा होगा। खास करके जिस विषय पर आप काम करते हो, जिस क्षेत्र में आप हो, उससे रिलेट करने वाली या फिर उसको लेकर अगर आपके मन में कुछ अच्छी बातें या फिर विचार चल रहे हैं उसके एक्सपैंड करने के लिए, उसी को बढ़ाने के लिए, तो कुछ अच्छे आइडियाज़ आज आपके दिन आपके मन में आ सकते हैं। और वो जो आइडियाज़ रहेंगे वो आपके लिए शुभ साबित हो सकते हैं आने वाले कल के लिए। तो मेरे ख्याल से जो दिन है वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। सोच विचार तो होंगे लेकिन वो सकारात्मक रूप से होंगे। जो महिला वर्ग है उनके लिए भी जो दिन होगा या फिर जो गृहिणी वर्ग है उनके लिए भी जो दिन होगा वो बहुत ही अच्छा साबित होगा। खास करके जो विद्यार्थी वर्ग है उनके लिए दिन है वो बहुत ही अच्छा और शुभ साबित होने वाला है। उसके बाद की जो राशि है वो है मिथुन राशि। मिथुन राशि के भाग्य भाव में चंद्रमा का भ्रमण है। आप के लाभ भाव में स्थित हर्षल के साथ ये चंद्रमा लाभ योग करने जा रहा है। तो बहुत ही अच्छा दिन है आपके लिए। घर में अगर कुछ ऐसे प्रॉब्लम या अनबन हुई थी जिसकी वजह से घर का जो वातावरण था इतना अच्छा नहीं था, पैसे के बारे में अगर कुछ प्रॉब्लम या कॉम्प्लिकेशंस हुई तो कुछ अच्छे विचार आपके मन में आ सकते हैं जिसकी वजह से, और या फिर कुछ ऐसी बातें हो सकती है जिसकी वजह से घर के जो भी प्रॉब्लम्स या कॉम्प्लिकेशंस थे, घर वाले के जो व्यक्ति थे या फिर पैसों के मामले में भी, वो नॉर्मल होने के बहुत अच्छे आसार है। ऐसी बातें आपको आज दिख सकती है जो कि शुभ है, जो कि आपके लिए पॉजिटिव है। तो जो आपका मूड होगा वो भी अच्छा होगा। और जो गृहिणी वर्ग है उनके लिए भी जो आज का दिन बहुत अच्छा साबित होगा। जी मतलब अगर आप एक्सपेक्ट करते हो पैसे के मामले में, कोई आपकी इच्छा है उसके मामले में कुछ अधूरी थी तो वो आज आपकी पूरी हो जाएगी। पैसे के मामले में जो आपने सोचा था वो भी बात आपके लिए पूरी हो जाएगी। और जो विद्यार्थी वर्ग हैं उनके लिए देखा जाए तो खास करके बहुत ही अच्छा और शुभ दिन आपके लिए साबित होगा। इसके बाद की जो राशि है वह है कर्क राशि। कर्क राशि के अष्टम भाव में चंद्रमा का भ्रमण है। आप ही के दशम भाव में स्थित हर्षल के साथ चंद्रमा लाभ योग करने जा रहा है। तो बहुत अच्छा दिन है आपके लिए। अगर आपकी शादी हुई है तो इन लॉज के साथ आपके जो संबंध है उसमें सुधार आ जाएगा। उनसे कुछ अच्छे आपको लाभ भी मिलेंगे। जहाँ पर आप काम करते हो वहाँ पर आपके जो काम करने का जो तरीका है उसकी सराहना हो सकती है, अप्रिसिएशन आपको मिल सकता है। बहुत अच्छा दिन है। जो लोग जॉबलेस है, मतलब जिनको जॉब नहीं मिल रही, उनको जॉब भी मिल सकती है। कुछ अच्छी बातें आज के दिन आपको अनुभव में आ सकती हैं। जो गृहिणी वर्ग है उनके लिए देखा जाए तो खास करके अच्छा दिन है। आपके जो ससुराल के लोग होंगे उनके साथ आपकी जो स्नेह संबंध है उसमें और इजाफा हो सकता है पॉजिटिव रूप से। और जो भी बातें आप सोच रहे थे वो अच्छी तरह से आज के दिन सामने आ सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा दिन है आपके लिए। विद्यार्थी वर्ग के लिए देखा जाए तो किसी भी प्रकार के बड़े रिस्क नहीं लेना। जो जिस प्रकार के आप शिक्षा ले रहे हो, जिस फोकस से आप चल रहे हो, उसी प्रकार से आगे चलिए। आने वाले जो दिन होंगे वो आपके लिए शुभ ही साबित होंगे। इसके बाद की जो राशि है वह है सिंह राशि। सिंह राशि के सप्तम भाव में चंद्रमा का भ्रमण है। आप ही के भाग्य भाव में स्थित हर्षल के साथ ये चंद्रमा लाभ योग करने जा रहा है, कि जो कि बहुत ही अच्छा और शुभ योग है। अगर आप पार्टनरशिप के बिजनेस में हो तो आपके जो पार्टनर्स है वो आपके लिए बहुत ही अच्छे साबित होंगे। उनसे जो सलाह मिलेगी वो पॉजिटिव होगी। अगर आप विवाहित हो तो वैवाहिक जोड़ीदार से भी आपको आज कुछ अच्छी मदद मिल सकती है। हारमोनी या फिर स्नेह संबंध कुछ उसमें इजाफा हो सकता है। और दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, जिस अगर आप किसी किसी
न्यूज़ के बारे में अगर आप सोच रहे थे या फिर देख रहे थे उसके बारे में कुछ मतलब आप ताक रहे, तो मेरे ख्याल से यह जो बातें हैं वो आपके लिए पॉजिटिव होने के बहुत अच्छा आसार है। तो जो मूड होगा वो आपके लिए बहुत ही अच्छा साबित होगा, उसका पूरी तरह से लाभ लीजिए। जो महिला वर्ग है या फिर गृहिणी वर्ग है उनके लिए भी जो आज का दिन बहुत अच्छा होगा, खास करके जो विद्यार्थी वर्ग है उनके लिए जो आज का दिन है शुभ साबित होगा। इसके बाद की जो राशि है वो है कन्या राशि। कन्या राशि के षष्ठ भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और आप ही के अष्टम भाव में स्थित हर्षल के साथ चंद्रमा लाभ योग करने जा रहा है। तो एक तौर पर से देखा जाए तो पिछले दो तीन दिनों से आपने देखा होगा कि जिस प्रकार से आप चाहते हो उस प्रकार से काम नहीं हो रहा, हालांकि मूड भी आपका वैसे अच्छा ही दिखाई दे रहा है, तो वही बात आज के दिन में भी होगी। लाभ के बारे में कुछ नई योजना आप सोच रहे हो तो उसके ऊपर अमल करना, क्योंकि वो पॉजिटिव होते हुए नजर आएगी, तो मेरे ख्याल से दिन आपका अच्छा होगा। सेहत के बारे में ध्यान देना आवश्यक है। जो महिला वर्ग हैं उनके लिए जो आज का दिन होगा वो शुभ ही साबित होगा। इसके बाद की जो राशि है वह है तुला राशि। तुला राशि के पंचम भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और आप ही के सप्तम भाव में स्थित हर्षल के साथ चंद्रमा लाभ योग करने जा रहा है, कि जो कि बहुत अच्छा अच्छी बात है। रिलेशनशिप के मामले में अगर आप विवाहित हो या फिर किसी के प्रेम में हो तो आपकी जो वैवाहिक जुड़ीदार होगी या फिर प्रेम के साथी होंगे उनके साथ आपकी जो मेल जोल होगा वो बहुत ही अच्छा और शुभ साबित होगा। तो बड़े ऐसे कोई प्रॉब्लम या कॉम्प्लिकेशंस आपके लिए नहीं आएंगे, बहुत ही अच्छा दिन आपके लिए बीतेगा। इसका पूरी तरह से लाभ लीजिए, खास करके अगर आप शेयर मार्केट से डील करते हो तो वहाँ पर की जो परिस्थितियाँ हैं, अगर आप ट्रेड अच्छे करते हो तो मेरे ख्याल से लाभ आपको बहुत ही अच्छे होने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद की जो राशि है वह है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के चतुर्थ भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और आप के षष्ठ भाव में स्थित हर्षल के साथ चंद्रमा लाभ योग करने जा रहे हैं। तो घर के छोटे मोटे मामले जो कि कॉम्प्लिकेशन आपको नजर आए थे वो पूरी तरह से निकल के दूर हो जाएंगे। हालांकि आपने पिछले एक आध दो दिन में देखा भी होगा कि घर की जो वातावरण है वो जैसा आप चाहते हो उसी प्रकार से हो रहे हैं, बन रहे हैं। आपको घर पर रहना भी पसंद पड़ रहा है, तो मेरे ख्याल से आज आराम भी होगा और घर के जो मामला थे वो भी सुधरते हुए नजर आएंगे। जो कि जैसे कि आपका जो मूड होगा बहुत अच्छा होगा। जो महिला वर्ग है उनके लिए भी देखा जाए तो आपके काम की सराहना होगी, अप्रिसिएशन होगी। घर के जो सभी सदस्य होंगे वो आपको क्रेडिट भी देंगे। तो बहुत ही मायनों में अगर देखा जाए तो दिन है वो आपके लिए बहुत ही अच्छा और शुभ साबित होने वाला है। इसके बाद की जो राशि है वो है धनु राशि। धनु राशि के तृतीय भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और आप ही के पंचम भाव में स्थित हर्षल के साथ चंद्रमा लाभ योग करने जा रहा है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। अगर आप किसी शॉर्टकट मार्ग का उपयोग कर रहे हो तो वो शॉर्टकट मार्ग मतलब पैसे कमाने के लिए वो आज पॉजिटिव होते हुए नजर आएगा, उसमें कुछ अच्छे आसार आज आपको मिलेंगे। लेकिन मेरे मानो तो ऐसे किसी भी प्रकार के जो शॉर्टकट है इसके पीछे नहीं पड़ना, क्योंकि आपकी जो राशि है वो राशि अभी 7:30 में चल रही है, गुरु का भी बल नहीं है, तो कहीं पर जाके ये शॉर्टकट वाला मामला है वो आपको प्रॉब्लम में ला सकता है। तो ऐसे किसी मार्ग पर आप चल रहे हो या फिर सोच रहे हो तो उसके बारे में प्रॉब्लम आ सकती है, ध्यान देना काफ़ी ज़्यादा आवश्यक है। इसके बाद की जो राशि है वह है मकर राशि। मकर राशि के द्वितीय भाव में चंद्रमा का भ्रमण और आपके चतुर्थ भाव में से हर्षल के साथ चंद्रमा के लाभ योग करने जा रहा है, तो आपके जो वैवाहिक जुड़ेदार होंगे उनके साथ आज आपका स्नेह संबंध बहुत अच्छा होगा, हारमोनी बहुत अच्छी होगी। अगर आप पार्टनरशिप के बिजनेस में हो तो भी आज आपका जो दिन है बहुत अच्छा होगा। जो महिला वर्ग है गृहिणी वर्ग है उनके लिए आपका आज का जो दिन होगा शुभ साबित होगा, और जो विद्यार्थी वर्ग है उनके लिए भी देखा जाए तो आज का दिन बहुत ही अच्छा और शुभ साबित होने वाला है। इसके बाद की जो राशि है वह है कुंभ राशि। कुंभ राशि में ही चंद्रमा का भ्रमण है और आप के तृतीय भाव में स्थित हर्षल के साथ ये चंद्रमा लाभ योग करने जा रहे हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही अच्छी बात है। कुछ अच्छे विचार आपके मन में आ सकते हैं, कुछ अच्छे संकल्पनाएं आपके मन में आ सकती हैं। अगर आप शॉर्टकट या फिर जिसे हम जल्दी से पैसे कमाने की जो योजना बोलते हैं उसमें अगर आप ऐसी कोई योजना अगर आपके सामने आती है तो उसके ऊपर अगर आप काम करोगे तो मेरे ख्याल से उसमें कुछ अच्छे आपको आसार मिल सकते हैं फायदे के, और आगे जाके उससे आपको अच्छे फायदे भी मिल सकते हैं। आज के आपके जो भी विचार होंगे, जो भी गट फीलिंग होंगे वो पॉजिटिव होते हुए नजर आएंगे, जिसे हम सिक्स सेंस वगैरह बोलते हैं। ऐसे कोई विचार होते हैं वो न चाहते हुए भी या फिर आप उसके ऊपर सोच विचार न करते हुए भी आपके मन में आते हैं, जिसे हम गट फीलिंग भी कहते हैं, तो वह विचार आज दिन आपके मन में आ सकते हैं, जो कि पॉजिटिव होते हुए नजर आएंगे आपके आने वाले कल में। तो मेरे ख्याल से जो दिन होगा बहुत ही अच्छा होगा। जो महिला वर्ग है उनके लिए भी जो दिन है बहुत ही अच्छा साबित होगा। सेहत के ऊपर थोड़ा ध्यान देना आवश्यक है, और खास करके जो विद्यार्थी वर्ग है उनके लिए जो दिन होगा पूरी तरह से पॉजिटिव और सकारात्मक होगा। इसके बाद की जो राशि है वह है मीन राशि। मीन राशि के व्यय भाव में चंद्रमा का भ्रमण है, राशि के द्वितीय भाव में स्थित हर्षल के साथ ये चंद्रमा लाभ योग करने जा रहा है, तो मन शांति जिसे हम बोलते हैं वो आज आपके आप महसूस करोगे। और जो व्यक्ति शेयर मार्केट से डील करते हैं, हालांकि चंद्रमा आपके व्यय भाव में होने के
बावजूद ये जो शेयर मार्केट से डील करने वाले जो लोग हैं उनकी जो भी मतलब अच्छे जो ट्रेड करेंगे वो पॉजिटिव होते हुए नजर आएंगे। आपकी जो संतान है उसके बारे में कोई भी कुछ अच्छे रिजल्ट्स आपको मिल सकते हैं। तो मोटे तौर पर देखा जाए तो दिन आपका सामान्य होगा, आपकी जो मनस्थिति होगी वो भी नॉर्मल होगी। थोड़े बहुत स्ट्रेस या टेंशन लग सकते हैं लेकिन उसके बारे में आप ज़्यादा नहीं सोचना। वो जो स्ट्रेस या टेंशन जो आपको लग रहे हैं वो मोटे तौर पर आपके जीवन पर कुछ असर नहीं डालेंगे। तो मेरे ख्याल से दिन सामान्य ही होगा, तो इसका पूरी तरह से लाभ लीजिए। तो दोस्तों ये था दिनांक 5 मार्च के लिए 12 राशियों का राशिफल। आपको ये राशिफल कैसे लगा, आपने किस तरह से अनुभव किया, इसके बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। और अपना ये जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन भी दबा देना, जिसकी वजह से अपने चैनल का नए नए वीडियो जो हर दिन अपलोड होते हैं उसके लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगी। धन्यवाद।